गुड मॉर्निंग्स एवरीवन। आज हम साइंस के चैप्टर 5 होम्स फॉर एनिमल्स पहले से रीड कर चुके हैं और हम इसके जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है नंबर ए और बी भी डिस्कशन कर चुके हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आज हम नंबर सी और यहाँ पर जो फन टाइम दिया हुआ है ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। देखो नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग। नंबर वन, व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स किसे कहते हैं या जलचर प्राणी किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा जो प्राणी जल में रहते हैं उसको हम जलचर प्राणी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। मैं फिर से कह देती हूँ, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। नंबर टू, नेम टू एनिमल्स दैट लिव इन नेचुरल शेल्टर्स। इसका मतलब है कौन कौन सी एनिमल्स नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं। नेचुरल शेल्टर्स मतलब प्राकृतिक आश्रय, जैसे एलिफेंट्स इसका एग्जांपल होगा, एलिफेंट्स एंड जिराफ्स। ये दोनों जो जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो पेड़ के नीचे ये दोनों आश्रय लेते हैं या रहते हैं, इसीलिए टू एनिमल्स एलिफेंट्स एंड जिराफ्स है। नंबर थ्री, वेयर डू वी कीप द काउज। हम काऊ को कहाँ पर रखते हैं? वी कीप द काउज इन शेड। हम काऊ को या गाय को शेड में रखते हैं। काउज के घर को शेड कहा जाता है। नंबर फोर, वेयर डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स क्यों नेस्ट बनाता है? इसका आंसर होगा बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड टू लुक आफ्टर देयर यंग वंस। इसका मतलब है जब बर्ड्स अपने अंडे देता है, अपने नेस्ट में अंडे देता है और उसके बच्चे का, उस अंडे में जब उसका बच्चा निकल आता है उसका देखभाल करने के लिए वो नेस्ट बनाता है। उसमें अंडे देने के लिए और उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए वो नेस्ट बनाता है। तो व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड टू लुक आफ्टर देयर यंग वंस। अब नंबर सी हो गया। ऐसे ही आप ये नंबर सी अपने अपने बुक में ये इसका क्वेश्चन आंसर लिखना। अब हम फन टाइम, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स होम्स आर हिडन इन द मैच, कैन यू फाइंड देम। देखो यहाँ पर एक मैच दिया हुआ है और ये मैच के अंदर यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये जो होम्स है उसके नेम यहाँ पर छुपा हुआ है, उसको हम आज ढूंढेंगे। देखो ये क्या है, ये ब्यूरो है। यहाँ पर रैबिट रहता है इसलिए इसको ब्यूरो कहते हैं। ब्यूरो का स्पेलिंग यहाँ पर दिया हुआ है BURROW। रैबिट के घर को ब्यूरो कहा जाता है। तो यहाँ पर ब्यूरो को ऐसे सर्किल करना। देखो ये किसका घर है, ये घोड़ा का घर है। घोड़ा के घर को घोड़ाशाला कहा जाता है और इंग्लिश में इसको स्टेबल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टेबल दिया हुआ है STABLE। स्टेबल को ऐसे सर्किल करना। देखो ये क्या है, ये किसका पिक्चर है, ये बर्ड्स का नेस्ट है। तो यहाँ पर देखो नेस्ट भी दिया हुआ है NEST। नेस्ट को ऐसे सर्किल करना। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये होल है। होल, होल में कौन से जानवर रहते हैं, रैट्स और स्नेक्स। तो यहाँ पर होल भी दिया हुआ है HOLE। ये भी एक होम्स है, ये स्नेक्स और रैट्स के घर हैं। तो होल को भी ऐसे सर्किल करना। ये क्या है, ये डेन है। डेन में कौन से जानवर रहता है, डेन में लायन रहता है। तो डेन को भी ऐसे सर्किल करना DEN डेन। ये क्या है, ये कूप है। कूप में कौन रहता है, हैन रहता है। तो देखो यहाँ पर ऊपर में COOP कूप, कूप दिया हुआ है। कूप को ऐसे सर्किल करना। और यहाँ पर और एक होम्स दिया हुआ है TREES ट्रिच। ट्रिच में कौन से जानवर रहता है, मंकी रहता है। तो ट्रीज को भी ऐसे सर्किल करना। वैसे ही आप नंबर सी और नंबर ये जो फन टाइम दिया हुआ है पेज नंबर 36 में, इसको आप अपने अपने बुक में लिखना।